जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोलॉजी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोलॉजी के द्वारा लिखा गया है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए अपनी आंखों को बंद करके हम एक प्रार्थना में चलते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें अपने दास के द्वारा परमेश्वर दिया, उस प्रकाशन के लिए परमेश्वर, वचन के उस प्रकाश के लिए जो अपने दास के द्वारा परमेश्वर हमें सौंपा है। परमेश्वर खुदावंत परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस वचन को पढ़ें या सुने, उनके जीवन में परमेश्वर ये वचन सौगना फलों को लेकर के आए पिता परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर, इनके जीवन में वचन सौगना फसल को लेकर आए पिता परमेश्वर। इस वचन को पढ़ने के द्वारा इनके लोगों की आत्मिक आँखें खुल जाएँ परमेश्वर, और ये अपनी गरीबी दुख बीमारियों में भी आपके वचनों पर चल सके पिता परमेश्वर, ताकि आपकी आशीष चंगाई और छुटकारा इनकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सके पिता परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर, ये रोशनी इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और ये आशीष को ले पाए पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज के अंगीकार के द्वारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर का नजरिया, जैसे कि पहला कुरिन्थियों के अध्याय 1:27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दाऊद के बाद राजा बनने के योग्य जो दाऊद का बेटा था वह अब्सालोम था, क्योंकि उसका नाना भी एक बहुत बड़ा राजा था और उसकी माँ एक राजकुमारी थी। अब्सालोम बुद्धिमान था और उसके पास राजा बनने के योग्य अनुभव भी था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वह राजा बने, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया जबकि उसकी माँ एक आम घराने से थी और उसके पास राजा बनने का कोई अनुभव नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और वह परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्रियो, आप बहुत बार सुनते होंगे कि वह अमीर व्यक्ति देश से भाग गया, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं तो आपकी अमीरी बुद्धि या चालाकी कुछ भी आपको बचा नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और पूरे भय और पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो आपकी आशीषें आपके पड़ोसी और अमीरों से ज़्यादा होंगी। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, गरीबों को चुन लिया है, ताकि जो लोग खुद को बहुत बड़ा सामर्थ्य और अमीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदा कर सकें और बता सकें कि जिसको मैं बड़ा और सामर्थ्य बना दूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको फल लाने के लिए, ऊंचा करने के लिए और जगत की ज्योति बनाने के लिए चुना है, लेकिन शैतान आपके झूठ बोलकर फंसाता है कि नहीं, तू एक आम परिवार से है, तू बहुत छोटा, गरीब और निर्बल है। पर आप नहीं जानते कि आप ही वह हैं जो बड़े काम करने के लिए चुने गए हैं। आपका परिवार परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए चुना गया है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाकर रखना है कि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सकें, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के जरिए काम करता है जिनकी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित है। मेरे प्रियो, मैं वह व्यक्ति हूँ जो पहले चर्च जाता था तो मुझसे आराधना नहीं होती थी, मैं सिर झुकाकर आराधना करता था, मुझे आराधना करने में भी शर्म आती थी, शैतानी अटैक होते थे। लेकिन आज जिस व्यक्ति ने मुझे 16 साल पहले देखा होगा तो वह विश्वास नहीं करेगा कि यह वही व्यक्ति है जो आज प्रचार कर रहा है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रचार करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आम लोगों से कहीं हटकर और दुखी थी। परमेश्वर आज भी बीमार, गरीब और निर्बल लोगों को चुनता है और ऊंचा और आशीषित करता है, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि जिसे मैं चुनता हूं और जो मेरे वचनों पर चलता है वह कभी गरीब, दुखी, निर्बल और बीमार नहीं रह सकता। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के द्वारा इन लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाएं
और यह अपनी गरीबी दुख बीमारियों में भी आपके वचनों पर चल सकें, ताकि आपकी आशीष चंगाई और छुटकारा इनकी जिंदगी में प्रवेश कर सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।